जय हिंद। तो आज शुरू करते हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे इंटरव्यू क्वेश्चंस, ठीक है? तो इंटरव्यू में आप लोगों को से क्या क्या इंटरव्यू में एचए में क्या क्या पूछे जाएंगे, उसी के लिए हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट, अगर एचए में देखिए पाल होल्ड की अगर मैं बात करूं, इसमें बेसिक स्टेप्स पूछे जाते हैं आप। ये मैंने काफी बार इंटरव्यू में फेस किया कि आपको पूछेंगे कि भाई बेसिक स्टेप बताओ, क्या क्या आपको करोगे। मैंने वो कॉन्फ़िगरेशन आपको बताना है बेसिकली, ठीक है? और एक चीज पूछते हैं, ये गए आपको, तो आपको बताना है कि मैंने आपको डिवाइस में जाना है। स्टेप पूछते हैं, ऑनेस्ट मैं कह रहा हूँ, मुझे स्टेप्स पूछे गए कि आपने फिजिकली किया है कि नहीं। ये किसी बार भी पूछा गया, मैंने 2-3 इंटरव्यू में मुझे इसी पूछा गया। तो पहले आपको बताना है कि डिवाइस में जाना है, एचए हाइब्रिड में क्लिक करना है। देयर इज वन ऑप्शन दैट जनरल, वहां पे आपको सेटिंग्स में जाके ये गियर ऐसे, मतलब डिटेल्स नहीं बताना है कि गियर बॉक्स में क्लिक करूंगा यहाँ पे। तो आपको बताना वहाँ पे सेटअप के ऑप्शन है, वहाँ पे मुझे ग्रुप आईडी डालना होता है, एचए का एक डिस्क्रिप्शन देना होता है, एक्टिव करेंगे या एक्टिव पैसिव करेंगे वो दिखाना होता है। और उसके बाद हमें पीआरआई भी देना होता है, एक दे सकते हैं या 2 दे सकते हैं। अगर 2 देंगे तो हमें वहाँ पे बैकअप लिंक में, मतलब कंट्रोल लिंक में 2 IP वहाँ पे भी सेट करना पड़ेगा, ये ठीक है? ये एक ऑप्शन रहता है एक्टिव पैसिव में, ठीक है? ये इनेबल सेट। और दूसरी बात, आपको एक्टिव पैसिव सेटिंग्स में क्या आप करोगे ये आपको बताना है। अच्छा, ये बेसिक्स आपको बताना है। उसके बाद इलेक्शन सेटिंग्स में आप ये मतलब ये यहाँ पे 48 पालोल्ट में एक डिफरेंस है, लो प्रायोरिटी जिसका होगा उसका हायर प्रेफरेंस होगा ये पालोल्ट में। लेकिन 48 में क्या होता है, हायर प्रायोरिटी हायर प्रेफरेंस, लो प्रायोरिटी लोअर प्रेफरेंस, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। और एक इंटरव्यू का यहाँ पे 100% पूछता है ये किस लिए हम लोग इनेबल करते हैं। ये रट्टा मार के रखिएगा या याद रखिएगा, कुछ नहीं है जिसको हम प्राइमरी बनाना चाहते हैं, ठीक है? अगर वो बाई चांस प्रिमेटिव किस लिए हम लोग इनेबल करते हैं, ये भी प्रिमेटिव इनेबल कर सके, हार्ट बीट बैकअप, ठीक है? क्या हो, ये रिकमेंडेशन एक रेसिप, ये इतना डीपली कभी पूछता है नहीं, कभी कभी पूछ भी लेता है अगर एडवांस इंटरव्यू होता है, इसमें क्या क्या है हार्ट बीट में, ठीक है? तो ये एक बार देख लीजिए। ये भी इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि प्रिमेटिव होल्ड टाइम बाय डिफॉल्ट कितना है, ये आपकी 1 मिनट है या आप 2 मिनट 5 मिनट कर सकते हो। और ये पैरामीटर ज्यादा से पूछता नहीं है ऐसे, फिर भी एक बार पैरामीटर्स को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि किस किस बेस पैरामीटर्स पे इलेक्शन सेटिंग्स होते हैं, क्या क्या है टाइम है, हार्ट बीट, इंटरवल, फ्लैप मैक्सिमम कितना बार फ्लैप होगा, मॉनिटर फ्लैप हाफ टाइम होगी, ये हो गया एडिशनल में, फुल टाइम अब कितना टाइम पे बोल रहे, ये मिली सेकेंड्स होता है, ठीक है? तो एडवांस में अगर नहीं है तो रिकमेंडेशन में सब जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपको बोलना है कि आपको कंट्रोल लिंक में आईपी देना है, ठीक है? कंट्रोल लिंक के एक इंटरफेस देना है, ये कंट्रोल लिंक हम मैनेजमेंट से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आईपी देना है, गेटवे देना है। गेटवे किस लिए देना है, अगर वो डायरेक्टली फायरवॉल टू फायरवॉल कनेक्ट है, देयर इज नो नीड टू पुट अ गेटवे। अगर दूसरा नेटवर्क में है तो आपको गेटवे देना ही पड़ेगा, ठीक है? और उसके बाद होता है कंट्रोल लिंक बैकअप, इस कंट्रोल लिंक 1 ये जो है उसका बैकअप है। उसके बाद डेटा लिंक ये आपका L2 लिंक होता है, इस पे आप आईपी दे भी सकते हो, नहीं दे सकते, इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है। इस ये 2 है, इसका बैकअप है ये, तो ये आपको करना होगा, ठीक है? उसके बाद ये ही बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि क्या भाई इंटरव्यू में पूछेगी ये कैसे करूंगे। पर तो आपको बताना कि आई हैव डन द सेम थिंग, उसमें पैसिव हम क्लिक करेंगे, ठीक है? तो उसके बाद जो इलेक्शन होगा उसके बेस पे ये हमारे एक्टिव, जो हम लोअर प्रायोरिटीज को देके रखे हैं, तो ये एक्टिव बनेगा, वो पैसिव बनेंगे इंटरव्यू में पूछेंगे। तो ये किए चला गया इंटरव्यू में, एचए को कन्फिगर कैसे होता है। मुझे एक और भी मजा के क्वेश्चन पूछे गए थे, मैं बताता हूँ कि बोल रहा कि भाई एचए देखोगे उसका कमांड लाइन क्या होता है, ये भी इंटरव्यू में क्वेश्चन होता है, भाई कमांड लाइन बताओ। तो कमांड लाइन एचए का क्या होता है वो भी आपको देखना है, ठीक है? वो भी पूछते हैं कि अगर एचए आप चेक करोगे तो कमांड लाइन से क्या है, ये भी मुझे पूछा गया था, ठीक है? ये सिस्टम एचए होता है हाई अवेलेबिलिटी करके, जो है यही कमांड है इसका, ठीक है? हाई अवेलेबिलिटी और चेक पॉइंट 48 में है, ये मुझे पूछा गया था 48 में कैसे चेक करोगे CLI में। तो उसका आंसर था सो सिस्टम एचए, ये आपका काम, ये उसका कमांड है। तो ये भी पूछते हैं, और 2-4 कमांड आप याद भी रख सकते हैं, ठीक है? तो ये आपके इंटरव्यू के लिए बेहतर है।
और ये पाथ लिंक और डेटा लिंक मॉनिटर का डिफरेंस क्या है ये पूछता है, ठीक है। और पाथ लिंक होता है किस लिए, डेटा लिंक किस लिए होता है ये भी पूछता है इंटरव्यू के लिए। तो अगर मैं इसको नोट पैड में लिखूं, ठीक है, तो हाउ टू जीयूआई कॉन्फ़िगर एज इन ये पालोअल्टो, ये आपका एक इंटरव्यू क्वेश्चन आ गया अभी, ठीक है। प्रीमेटिव, व्हाट इज द यूज ऑफ प्रीमेटिव, इसका स्पेलिंग मुझे इतना अच्छा से नहीं आता है, कॉपी पेस्ट मारना पड़ता है, ठीक है। व्हाट इज द यूज ऑफ, ये पूछता ही 90% इंटरव्यू में पूछता है, ठीक है। कंट्रोल CONTR और कंट्रोल LINK लिंक एंड डेटा लिंक क्या है, ठीक है, इसका डिफरेंस क्या है, क्या यूजेस है, और इसमें एक ऑप्शन है एनी और ऑल, इसका मतलब क्या है, व्हाट व्हाट इज एनी और ऑल, ये है एनी और ऑल का डिफरेंस, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में अगर हम कुछ भी करते हैं, ये एनी और ऑल दो है, इसमें क्या होता है ये देख लीजिएगा। अच्छा ये चला गया CLICOMMENDS कमेंट्स, CLI कमेंट्स, ओके CLI कमेंट्स, अच्छा CLI कमेंट्स। और ये ऑपरेशन में अगर ये भी पूछता है कि हाउ यू गोइंग टू सस्पेंड वन बॉक्स, तो आपको बताना है, हम डिवाइस में क्लिक करेंगे, एच सेटिंग्स में जाएंगे, ऑपरेशन में क्लिक करेंगे, ये सस्पेंड लोकल सस्पेंड, अगर आप ये करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका डिवाइस डाउन नहीं होगा, ठीक है, आपका सिर्फ एच डाउन हो जाएगा, ठीक है, एच एक्टिव डाउन होके पैसिव में वो ट्रांसफर हो जाएगा। देखो मेरा यहाँ पे देखेगा मेरा ये लोकल सस्पेंड हो चुका है, ठीक है, और कोई इफेक्ट नहीं है, मतलब जिस फायरवॉल पे आप डाउन करो फायरवॉल के एक्सेस आपको मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, लेकिन सिर्फ आपका और अगर ये करोगे तो इसमें कमिट करने का कोई जरूरत नहीं होता, सस्पेंड कर देगा तो डिवाइस सस्पेंड हो जाए, लेकिन यू कैन एबल टू एक्सेस बाय मैनेजमेंट, देयर इज नो इशू, ओके। नाउ अगर आप कहते हैं कि नहीं नहीं भाई उसको मेक मेक और यहाँ पे इसको मेक एक्टिव कर दो, वो फिर देखो यहाँ पे ये सिचुएशन चेंज हो जाएगा, ये एक्टिव में आ जाएगा, ये आ गया, क्योंकि मेरे पास दूसरा सेकेंडरी नहीं है, कोई नहीं। ये क्वेश्चंस आपको रट्टा मतलब पढ़ना है, समझ के पढ़िए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये डिफाइंड बिटवीन कंट्रोल लिंक एंड डेटा लिंक, और इसका काम क्या है। बेसिकली मैं इसको पढ़ता हूँ और मुझे याद भी है, फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूँ, देखो ये सब मैंने उठा के रखा है, ये देखो कॉन्फ़िगरेशन का है, एच लिंक, यहाँ पे आपको क्या देखना है इसको, अगर थोड़ा सा हम थोड़ा सा तो बड़ा कर ही सकते हैं, इसको बड़ा करो, आप देखो ये पियानो इसका डॉक्यूमेंट है, मैं घर से नहीं लाया कहीं पे, मेरा मुझ भी इंटरव्यू में डेटा कंट्रोल लिंक किस लिए यूज होता है और डेटा लिंक किस लिए यूज होता है। कंट्रोल लिंक देखो मैं बता ही देता हूँ बिना पढ़े ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, है क्या होता है, एक्सचेंज हेलो पैकेट होता है, हार्ट बीट इंफॉर्मेशन जाता है, एच स्टेटस जाता है, ठीक है, एंड मैनेजमेंट सिंक्रोनाइज फॉर राउटिंग और यूजर आईडी इंफॉर्मेशन जाता है, ठीक है। ये फायरवॉल ऑल्सो यूज दिस लिंक टू सिंक्रोनाइज कॉन्फ़िगरेशन, ये कॉन्फ़िगरेशन होता है, देखो ऐसे मतलब सिंपल, अगर ये कॉन्फ़िगरेशन सिंक करता है डेटा या एच वन लिंक जो आपका कंट्रोल लिंक और डेटा लिंक होता है, आपका सेशन सिंक्रोनाइज होता है, देखो डिफरेंस पढ़ो, एक है कॉन्फ़िगरेशन एक होता है सेशन, और इसमें जाता है हार्ट बीट हेलो पैकेट्स, ठीक है, एच इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट के लिए, और ये पोर्ट काम करता है किसमें देख लो, क्लियर टेक्स्ट में अगर इनक्रिप्ट करोगे तो 20 पोर्ट में जाता है, ये EC3 लिंक है, सॉरी हाँ ये EC3 लिंक है, इसमें IP रिक्वायर्ड है, ठीक है, और इसमें देखो EC2 लिंक यूज सिंक्रोनाइजेशन फॉरवर्डिंग टेबल IPsec सिक्योरिटी एसोसिएशन जो मैंने पढ़ाया था पिछले बार भी, उसमें सिक्योरिटी एसोसिएशन जो होता है हैगल वाला पार्ट, ये करता है ERP टेबल एड्रेस एजर टेबल बिटवीन फायरवॉल एंड EHPR, ठीक है वो है। अच्छा डेटा फ्लो देखो, ये EC2 लिंक ऑलवेज यूनिकास्ट यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब एक एक साइड से जाएगा, बाइडायरेक्शनल नहीं होता ये, ठीक है, और ये EC2 लिंक लेयर 2 लिंक एंड ये डिफॉल्ट है, क्या है,
ठीक है। पोर्ट ये देखो, ये यूडीपी पोर्ट फॉलो करता है, प्रोटोकॉल नंबर, यही बेसिक से बैकअप लिंक क्या होता है, इन्हीं का बैकअप लिंक होता है, ठीक है। तो ये दो पूछते हैं बैकअप लिंक, ज्यादा पूछते हैं नहीं। तो ये हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये थोड़ा पढ़ के रखिएगा, समझ के पढ़िए, मतलब अरे भैया ऐसा ऐसा मत पढ़िए, समझ के पढ़िए। हेड व्यू ढालो बकेट के, इसलिए चेंज होता है, कौन सा लिंक डाउन होने में आपको क्या इन्फॉर्मेशन है। अगर ये लिंक डाउन भी हो जाता है, सोचो ये कॉन्फ़िगरेशन सिंक नहीं होगा, सेशन सिंक रहेगा। अब अगर फेल ओवर कर भी देते हो तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, आपका सेशन इसमें सेकेंडरी में चला जाएगा, लेकिन ये डाउन हो गया है तो आपका सेशन नहीं जाएगा, ठीक है। आप ट्रांसफर करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ट्रैफिक उसमें सेशन नहीं होगा, और ये जाएगा तो कॉन्फ़िगरेशन सिंक नहीं होगा। तो आपने अभी कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया एक्टिव में, ठीक है, वो आपका ये लिंक डाउन है, ये लिंक डाउन है, ईच वन डाउन है, तो आपको कॉन्फ़िगरेशन सिंक नहीं होगा, सेशन का इंफॉर्मेशन इसके पास तब भी रहेगा। यहाँ पे लिख भी दे रहा है सीजन सेशन, सेशन सिंक्रोनाइजेशन इनेबल कर रहा हूँ लोग, ठीक है। तो ये हो गया, और क्या इंटरव्यू के क्वेश्चन आ सकता है यही चीज से। हो गया, लिंक मॉडल पाथ मॉडल बता दिए, इसमें से क्या क्वेश्चन आ सकता है ये में बता दिए, और सी एल आई कमेंट्स बता दिए, और तो मुझे लगता नहीं है। हाँ, और एचे अगर हो सके तो कभी कभी पूछ लेता है, एचे मैकेनिज्म, एचे कैसे काम करता है, ये भी कभी हाउ एचे वर्क्स। Yes. ये डिपेंड करता है कि कैसे काम करता है, ये आप एक बार गूगल में देख लीजिएगा, ठीक है। ये आप लोगों का टास्क रहा है, हाउ इट वर्क्स। उसके बाद और ठीक है, और तो हाँ, और एक बात पूछता आपसे, अगर डैशबोर्ड में आप कैसे इसको इनेबल करोगे, ये यहाँ से आके आपको ये चीज यहाँ से इनेबल करना होता है, ये वेब में जाके सिस्टम में जाके यहाँ पे आके ये आपको इनेबल करना पड़ता है, लोकल ये एक्टिव। और जब कभी और हाँ, अब और भी क्वेश्चन था, ट्रबल शूट आप कैसे करोगे ईचे का, ठीक है। ये अगर आपका ईचे सिंक नहीं है तो आपको क्या, फास्ट यहाँ पे अगर सिंक नहीं है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है क्लिक ऑन सिंक, अगर ये सिंक में आता है देन ओके, ये क्लिक करके आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है, अगर सिंक होता है तो ग्रीन आ जाता है। अगर सोचो सिंक नहीं है देन आपको क्या क्या ट्रबल शूट करना है, ये भी इंटरव्यू का क्वेश्चन है, हाउ टू ट्रैवल शूट एच एस, हाउ टू ट्रैवल शूट एच एस, ठीक है, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। तो आप पहले बोलोगे कि मैं डैशबोर्ड में जाके ये रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के यहाँ पर ऑप्शन है सिंक्रोनाइजेशन, तो वहाँ पे हम क्लिक करके ट्रैक करेंगे कि ये सेशन सिंक्रोनाइज जो एक्टिव से जाके करना, ठीक है, पैसिव में जाके मत करना, ये एक्टिव में दिखाता है यहाँ पे सिंक करना, अगर सिंक हो गया था देन ओके, नहीं हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे एक बार देखिए। नेक्स्ट ऑप्शन आपका बचता है यही कि आप उस डिवाइस को एक बार देखेंगे कनेक्टिविटी ठीक है कि नहीं, जो कि सी एल आई से जाके जहाँ भी यहाँ पे आपको देखेंगे देखना है कि भाई क्या इशू है, किस लिए यहाँ पे जो सॉल्व करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि इशू कुछ है, आपको यहाँ से कुछ मिल रहा है कि नहीं, कि अरे और नहीं बिल्कुल, यहाँ पे अगर आप देखोगे क्या प्रूफ है, क्या ऐसी है, ठीक है, किस इशू है, ठीक है, ये चेक कंट्रोल इंटरफेस देखो, ये यहाँ पे इशू आपको आइडेंटिफाई करना है, कोई यहाँ पे कोई ऑप्शन दे रहा है कि कोई इशू है, एक्टिव पैसिव लिंक स्टेटस डाउन है, तो आपको ऐसे ढूंढना होगा क्या है स्टेटस है, अगर इंटरफेस डाउन है तो आपको इंटरफेस ऑफ करना होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे सब सही है, इंटरफेस ऑफ है, पिंग रीचेबिलिटी सब सही है, फिर भी नहीं चल रहा, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि तो आपको कभी क्या करना था, अप्रूवल का प्रोसेस है, मैं स्लो का भी बहुत सारा देना हो देने वाला हूँ, अप्रूवल का भी बहुत सारा प्रोसेस है, तो वहाँ पे भी आपको जाके तब क्या होगा, आपको अप्रूवल लेके उसको सेकेंडरी को मेक श्योर, सेकेंडरी को आपको रिबूट करके देखना है कि वो फिर आप आ रहा है कि, कभी कभी रिबूट भी इशू का सोल्यूशन दे देता है, अगर फिर भी नहीं होता है तो और एक ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, आप उसको फिर रिबूट करने के बाद, आप आने के बाद फिर सिंक्रोनाइजेशन करो, फिर नहीं होता है
तो और एक काम कर सकते हो आप, ये टेक सपोर्ट फाइल जो, सॉरी जो डिवाइस स्टेट फाइल है वो उठा उठा के उस फायरवॉल पे डाल के मैनेजमेंट सरफेस को चेंज, सॉरी चेंज करके उसमें डाल दो, देखो फिर कॉन्फ़िगरेशन सेम आ जाएगा, फिर आप आ जाएगा, उसके बाद भी नहीं आता तो फिर आपको टैब के साथ जाना ही पड़ेगा फाइनल केस में। तो ये सब था आपका एच इंटरव्यू में क्या क्या पूछे जाते हैं, कैसे आप ट्रैवल शूट करोगे, ठीक है। फर्स्ट सी एल आई से चेक करोगे, सी एल आई से चेक करेंगे, उसमें अगर कुछ इशू मिलता है तो ठीक है, नहीं तो सेकेंडरी लोगों ने बूस्ट करेंगे, रिबूट से हुआ तो ठीक है, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइस 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 स्टेट को अपलोड करेंगे प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी को, उससे भी चलता है तो ठीक है, नहीं तो एफ आई एन एल फाइनली गो फॉर पीटीएस टैग, ये आपका फाइनल सोल्यूशन हो गया, ठीक है। और अगर और किसी को कोई पूछना है इस बारे में तो आप मुझे पूछ सकते हैं, आप कोई अगर किसी ने इसी ऊपर के फेस किया हो तो मुझे जरूर पूछिए, उसका सवाल अगर मुझे मिलता है, ऐसे भी मेरे बहुत कुछ अभी फेस किया हूँ रिसेंटली, एक इसी के बेस पे मैं आपको ये सब इंफॉर्मेशन दे रहा था, और ये मेरा डे टू डे काम ही है, तो प्रॉब्लम कोई नहीं है, आप पढ़िए, और कुछ अगर इन्फॉर्मेशन आपके पास भी होता है आप मुझे भी शेयर करिए, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए, भूल मत जाना, ठीक है। जय हिंद, खुश रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।